आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आज दूसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। दूसरे चरण का मतदान पश्चिम उत्तर प्रदेश में 9 जिलों में, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं और शाहजहांपुर की 55 सीटों पर आज मतदान होगा। इन सीटों पर मुस्लिम और दलित आबादी को देखते हुए पहले चरण की तुलना में यह चुनाव सभी पार्टियों के लिए अधिक चुनौतीपूर्ण है। दूसरे चरण की 55 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उसमें 38 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि 15 सीटों पर सपा के पास है और 2 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी। जी हां, आपको बता दें कि दूसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। वहीं दूसरे चरण का मतदान कुल 9 जिलों में 55 सीटों पर होना है। वहीं अगर देखा जाए तो 586 कुल प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर में आज मतदान शुरू हो गया। दूसरे चरण का मतदान आज हो रहा है। अगर बात पहले चरण की करें तो पहले चरण का चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ था, जिसमें 62.8% टोटल वोटिंग हुई थी। तो वहीं आज दूसरे चरण का चुनाव है। पहले चरण का चुनाव 10 फरवरी को हुआ था, आज दूसरे चरण का चुनाव है। लोग लगातार चुनावी बूथों पे जाना शुरू हो गए। सुबह 7 बजे से चुनाव शुरू हो चुका है। लोग अपने अपने नजदीकी चुनाव बूथों पर जा रहे हैं और वोट दे रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि साफ देख सकते हैं कि लोग मतदान केंद्रों पर जाना शुरू हो गए हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए। तो वही आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ साफ कि सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया और लोग अपने अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाना भी शुरू हो गए हैं, वोट डालना भी शुरू हो गया। तो ये प्रशासन की तरफ से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। कोविड गाइडलाइन का भी फॉलो किया जा रहा है, प्रोटोकॉल के तहत मतदान कराया जा रहा है। वही हमारे संवाददाता अलग अलग जिलों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुहेल गौर सहारनपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तुषार रामपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुहेल, पहले मैं आपके पास पहुंचना चाहूंगी, क्या लोग बूथ पर आना शुरू हो गए हैं? सुहेल जी बिल्कुल, शरीर मैं आपको बता दूं कि ये 2022 जो है महापर्व स्टार्ट हो चुका है, मतदान स्टार्ट हो चुका है। और अगर 8:10 की बात करें तो लगातार जो है मतदान करने के लिए मतदाता जागरूकता के साथ जो है पोलिंग सेंटर पर पहुंच रहे हैं, एक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि कैमरामैन एक बार दिखाएं कि जिस तरह से मतदाता जो है हमारे जागरूक मतदाता हैं और वो लगातार जो है बड़ी संख्या में पोलिंग स्टेशनों पर पहुंच रहे हैं। और इसी के साथ बात सात विधानसभा सीट की करें तो सातों विधानसभा सीट में 25,86,000 मतदाता जो है यहाँ के सातों विधानसभा सीट पे जो है 71 प्रत्याशियों की जो है किस्मत का फैसला आज करने वाले हैं। और इसी के साथ साथ जो है उनकी जो किस्मत है वो ईवीएम के अंदर दर्ज होगी। जी तो शार, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी, लोग क्या आना शुरू हो गए मतदान केंद्रों पर? जी कृष्णा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, रामपुर में दूसरे चरण का मतदान होना है और जैसा कि आप देख सकती हैं मैं इस टाइम बूथ पर मौजूद हूं और यहां पर पुलिस के कड़े इंतजाम किए गए हैं। लोग यहां पर सुबह 7 बजे से यहां पर मतदान की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। लोग एक एक करके यहां पर आ रहे हैं और अपने मत का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, यहां पर पुलिस रे और जो यहां का जो जिला प्रशासन है उसमें कोरोना की गाइडलाइंस का भी कहीं ना कहीं यहां पर पालन किया जा रहा है। जी तुषार, रामपुर और स्वार सीट हॉट सीट बनी हुई है। रामपुर सीट से आजम खां और स्वार सीट से आजम अब्दुल्ला खां है, तो क्या कुछ है, किस तरह से लोग आना वहां शुरू हो गए और ये दोनों हॉट सीट का क्या समीकरण अभी सामने आ रहा है? जी बहुत अच्छा सवाल है, मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए रामपुर जो है वो आजम खान की और समाजवादी की सबसे सेफ सीट मानी जाती है,
जो रामपुर की सीट है और जो स्वा टांडा की सीट है वो तो बिल्कुल खासकर जो सबसे ज्यादा सेफ सीट मानी जाती है। अब यहाँ पर देखने वाली बात दिलचस्प यह होगी क्योंकि देखिए दूसरी ओर जो है वो नवाब खानदान से नवाब कासिम अली है वो भी है और जो उनके बेटे हैं क्या कहने में हैदर अली वो स्वा टांडा से अब्दुल्ला के अपोजिट में खड़े हो रहे हैं। तो जो उनका जो इतने दिनों से जो अपने जनसभा कर रहे हैं लोगों के बीच वहां जा रहे हैं लोगों से बातचीत कर रहे हैं लोग उनको प्यार भी मतलब मिल रहा है और बात करें अब्दुल लतीफ तो उनको भी कहीं ना कहीं प्यार भरपूर मिल रहा है। और जैसे कि बात करें अगर सदर सीट की तो आजम खान है और जो उनके सामने है वो बीजेपी के कैंडिडेट आकाश सक्सेना हनी है। ठीक है अब देखिए वो भी कहते हैं अब आजम खान की बात करें तो वो कद्दावर नेता है। ठीक है तो यहाँ पर अब देखने वाली बात दिलचस्प अब यही होगी कि आगे किस्मत किसकी चमकती है। जी सुहेल मैं आपके पास आना चाहूंगी। टोटल 7 सीटों पर सहारनपुर में चुनाव है तो कौन कौन सी सीटें हॉट सीट बनी हुई है, लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, लोग इस बार वोट किस मुद्दे पे देंगे? स्क्रीन में आपको बता दूं यहाँ सातों विधानसभा सीट जो है वो उसके अंदर जो है शहर की नगर सीट पर हम इस समय खड़े हैं। और देखिए मुद्दों की बात अगर करें तो पश्चिमी यूपी के मुद्दे हमेशा से ही एक शिक्षा स्वास्थ्य बिजली पानी सड़क इन्हीं के आसपास जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन अब की बार जो है किसान आंदोलन को अगर देखा जाए तो किसान पश्चिमी यूपी में जो है वोट पर प्रभाव डालते हैं चुनाव पर प्रभाव डालते हैं और इसी को लेकर किसानों की समस्या भी एक मेन मुद्दा सहारनपुर के अंदर रहेगा। अगर बात करी जाए तो यहाँ पर संवेदनशील जो है क्षेत्र कुछ पोलिंग बूथों को बनाए गए 523 लगभग संवेदनशील बूथ हैं जिन पर जो है ड्रोन के साथ जो है निगरानी करी जा रही है पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पर लगाई गई है। प्रशासन बहुत चुस्त दुरुस्त तरीके से अपनी व्यवस्था को बनाने में लगा हुआ है। अगर सहारनपुर की बात की जाए तो सहारनपुर के अंदर सातों विधानसभा सीट पर जो है चुनाव मतदान इस समय चल रहा है चुनाव को लेकर। और मतदान की बात करें तो सहारनपुर के अंदर अगर विधानसभा चुनाव 2017 की भी बात की जाए तो सहारनपुर का मत प्रतिशत जो है काफी अच्छा रहा था 71% रहा था। नुकुड़ विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो प्रदेश के अंदर नंबर वन सीट जो रही थी जहां सबसे ज्यादा चुनाव प्रतिशत रहा था। जी सहारनपुर सीट से बात करें तो कई दिग्गजों की भी राजनीतिक प्रतिष्ठा अभी दांव पर लगी हुई है। धर्म सिंह सैनी की बात करें नकुड़ विधानसभा सीट भी हॉट सीट बनी हुई है और देखा जाए तो देवबंद भी एक हॉट सीट बनी हुई है। सुहेल तो यहां पर लेके सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं क्योंकि ये हॉट सीट है और काफी दिग्गजों की प्रतिष्ठा भी यहाँ पर दांव पे लगी हुई है। देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं नुकुड़ सीट पे जो है धर्म सिंह सैनी जो है चुनाव लड़ रहे हैं उनके सामने मुकेश चौधरी बीजेपी प्रत्याशी के रूप में मौजूद हैं लेकिन वहां पर एक बीएसपी के कैंडिडेट है साहिल उनका भी वहां पर जो है चुनाव के अंदर एक अच्छा जो है रुझान अब की बात देखा जा रहा है। वीआईपी सीट है और वहां पर अगर बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही चुस्त और दुरुस्त है। लेकिन अगर बात करें देवबंद सीट की तो देवबंद सेंसिटिव जोन में आता है और देवबंद से जो है कार्तिक राणा इस समय जो है सपा गठबंधन प्रत्याशी की ओर से दावेदारी कर रहे हैं। वहीं बीजेपी की बात करें तो कुंवर ब्रजेश सिंह है दोनों का ही जो है आमना सामना इस समय वहां पर बना हुआ है और वहां भी चाक चौबंद व्यवस्था जो है पुलिस और प्रशासन की तरफ से बनाई गई है। तुषार अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। तुषार रामपुर में कोविड को लेकर क्या व्यवस्था की गई है, कोविड हेल्प डेस्क बनाए गए हैं? बता दूं यहाँ पर कोविड गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। यहाँ पर जो भी मतदाता है वो जैसे ही बूथ पर अंदर एंट्री करते हैं तो उनकी थर्मल स्कैनिंग की जा रही है ठीक है और उनकी जो रिपोर्ट है वो भी ली जा रही है उसके बाद ही वो अंदर जा रहे हैं और वो अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोविड गाइडलाइंस की पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। जी तुषार दिव्यांगजनों के लिए क्या कुछ अलग व्यवस्था की गई है मतदान केंद्रों पर? जी दिव्यांगजनों का ये है कि यहाँ पर जो पुलिस बल तैनात है यहाँ पर महिलाएं भी हैं पुरुष भी हैं और जो महिलाएं आती हैं अगर वो विकलांग है तो उनको वो लोग खुद अपने साथ लेके जाते हैं अंदर लेके जा रहे हैं वहां जाकर मतदान करवाते हैं और फिर उनको बाहर लाते हैं। जी सुहेल एक बार मैं फिर से आपसे जुड़ना चाहूंगी, एक बार आप दिखाएंगे क्या कि कितनी संख्या में लोग आना शुरू हो गए हैं? सुबह के 8:30 बजने वाले हैं तो लोगों में कितना जोश है और लोग मतदान केंद्र पे आना शुरू हो गए हैं, एक बार मैं चाहूंगी आप दिखाएं। बताना चाहूंगा कि 8:30 बजने वाले हैं दान केंद्र पर जो है बुजुर्ग से लेके जवान से लेके सभी लोग यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। कुछ लोग हैं उनसे डायरेक्ट बात भी करना चाहेंगे हमारे साथ में मौजूद हैं सीनियर सिटीजन लग रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? देवदत्त जी क्या मुद्दे रहेंगे जो आप वोट डालने के लिए? ईमानदारी से काम को विकास हो और सब लोगों का ख्याल रखा जाए और ईमानदारी से आगे जो आने वाली सरकारें हैं वो ईमानदारी से काम करें कोई घपला ना हो। देखिए मुद्दे रहेंगे विकास के रहेंगे ईमानदारी के रहेंगे
और यही सब मुद्दों को लेकर जो है लोग यहाँ पर आ रहे हैं काफी बड़ी संख्या में। कैमरामैन को चाहूंगा एक बार दिखा दें कि कितनी बड़ी संख्या में जवान हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, सभी लोग जो है, महिलाएं हो, सभी लोग बढ़ चढ़ कर इस महापर्व में जो है हिस्सा ले रहे हैं। और वही है कि सबसे पहले वोट दो, यही सानपुर के अंदर जो है देखने को मिल रहा है। हाँ, सुहेल, जैसा कि मुझे तस्वीरों में साफ दिखाई पड़ रहा है कि सुबह के अभी 8:30 ही बजे हैं, लोग काफी उत्साह के साथ मतदान केंद्रों पर आ रहे और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। सुहेल और तुषार, बने रहिए, हम जुड़ेंगे आपसे थोड़ी देर में और अपडेट्स के लिए। तो आपने देखा कि किस तरह से सहारनपुर और रामपुर में लोग अभी से आना शुरू हो गए हैं मतदान केंद्रों पर। आपको बता दें सहारनपुर में कुल 7 सीट पर और रामपुर में कुल 5 सीट पर चुनाव होने हैं। वहीं इस चुनाव में कई दिग्गजों की राजनीतिक प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। अगर बात की जाए रामपुर सीट से तो रामपुर से आजम खां और वहीं स्वार सीट से उनके बेटे आजम अब्दुल्ला खां भी चुनाव लड़ रहे हैं। आजम अब्दुल्ला खां जहाँ 2017 में एक बार चुनाव भी लड़े थे, लेकिन उनके गलत डॉक्यूमेंट जो उम्र कम बताए जाने की हवाला देते हुए रद्द भी कर दिया गया था। वहीं इस बार फिर से आजम अब्दुल्ला खां स्वार सीट से चुनावी मैदान में, कई कंट्रोवर्सी के बाद भी आजम अब्दुल्ला खां स्वार सीट से चुनावी मैदान में है। वहीं अगर बात करें आजम खां की तो आजम खां भी राजनीति में पैड रखने वाले और बड़े सीनियर राजनेता माने जाते हैं। इसी तरह दूसरे चरण में अगर देखा जाए तो 9 जिलों के 55 सीटों पर 586 कुल प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। आज इनके किस्मत ईवीएम में लॉक हो जाएगी। आप तस्वीरें देख रहे हैं, जगह जगह से लोगों में खासा उत्साह दिख रहा है और पुलिस व्यवस्था प्रशासन भी जगह जगह पर मुस्तैद है। कोविड गाइडलाइन के साथ लगातार वोटिंग करवाई जा रही है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। दूसरे चरण का चुनाव 9 जिलों के 55 सीटों पर होना है। वहीं 586 कुल प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। वहीं अगर बात की जाए पहले चरण की तो पहले चरण का कुल जो वोटिंग हुआ था वो 62.8% वोटिंग हुआ था और इस बार आज दूसरे चरण का चुनाव है 14 फरवरी को। वहीं पहले चरण का चुनाव 10 फरवरी को हुआ था। उत्तर प्रदेश में कुल 7 चरणों में मतदान होने हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोगों में अभी सुबह के 8:30 ही बजे हैं, लेकिन लोगों में चुनाव के मतदान के इस महापर्व को लेकर खासा उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। वहीं सहारनपुर में 7 सीटों पर चुनाव होना है। बात अगर बिजनौर की करें तो वहां 8 सीटें हैं। अमरोहा की बात करें तो वहाँ 4, संभल की बात करें तो वहाँ भी 4, और अगर बात मुरादाबाद की करें तो वहाँ 6 सीटें हैं। रामपुर में 5 सीटों पर होना है। रायबरेली में 9 सीटें, बदायूं में 6, शाहजहाँपुर में 6। अगर शाहजहाँपुर से बात करें तो शाहजहाँपुर में मंत्री सुरेश खन्ना भी चुनावी मैदान में है। उनके सामने सपा से तनवीर खां है। तो आप देख सकते हैं कि दूसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। लोग मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं, लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। दूसरे चरण का चुनाव शुरू हो गया है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। अगर बात वही पहले चरण की करें तो पहले चरण में 62.8% वोटिंग हुई थी। वही देखना यह है कि दूसरे चरण की वोटिंग कितने परसेंट तक जाती है, लोग कितना भारी संख्या में आकर अपने मतों का प्रयोग करते हैं। पहले चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है, आज दूसरे चरण का चुनाव होना है। तो वही कुल 9 जिलों में 55 सीटों पर दूसरे चरण का चुनाव होना है। पहले चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। वहीं दूसरे चरण में कुल 586 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। तो वहीं 9 जिले सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर में वोटिंग शुरू हो गई है। सुबह 7 बजे से यह वोटिंग शुरू हो गई है। कई मायनों में यह जिले खास माने जाते हैं। वहीं अगर बात की जाए तो कई राजनीतिक दिग्गजों की प्रतिष्ठा भी दूसरे चरण में दांव पर लगी हुई है। बात अगर मंत्री सुरेश खन्ना की करें, गुलाब देवी की करें, धर्म सिंह सैनी की करें, धर्मपाल सिंह की करें, तो कई ऐसे दिग्गज हैं जो चुनावी मैदान में हैं। कई ऐसे भी हैं जो सपा छोड़ के भाजपा में गए हैं, जो भाजपा छोड़ के सपा में आए हैं। तो देखना तो यह है कि जनता इस बार किसको अपना मत देकर चुनेगी, किसके कामों को पसंद करेगी जनता इस बार, क्योंकि जनता अब काफी जागरूक है। हर जगह से हमारे संवाददाता बात कर रहे हैं और सभी मतदाताओं का यही कहना है कि अब विकास के मुद्दे पर वोट दी जाएगी। विकास जनता का
पहला मुद्दा है। प्रायोरिटी अगर देखा जाए तो जनता का विकास है, तो ये आपको हम बता दें। दूसरे चरण का मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है, 9 जिलों के 55 सीटों पर यह मतदान होना है। कुल 586 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। बात अगर पहले चरण की करें तो पहले चरण में 62.8% वोटिंग हुई थी। दूसरे चरण का चुनाव 9 जिलों की 55 सीटों पर आज हो रहा है, मतदान शुरू हो गए हैं। यह चुनाव इस चुनाव में 586 कुल प्रत्याशी चुनावी रण में हैं। आज 586 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद हो जाएगा। 10 मार्च को पता चलेगा कि जनता ने किसको अपना प्रतिनिधित्व दिया है, किसको जनता ने चुना है, किसके काम जनता को पसंद है और आगे कौन अब 5 सालों तक जनता के लिए काम करेगा। 2022 विधानसभा चुनाव कई मायनों में खास देखा जा रहा है। वहीं अगर बात दूसरे चरण की करें तो दूसरे चरण में कई राजनीतिक दिग्गजों की प्रतिष्ठा भी दांव है। आजम अब्दुल्ला खां और सुरेश सिंह, तनवीर खां, गुलाब देवी जैसे कई दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। बलदेव सिंह औलख भी चुनावी मैदान में है। वहीं अगर बात करें सहारनपुर की 7 सीटों का, तो सहारनपुर के 7 सीट कहीं ना कहीं हॉट सीट ही बने हुए हैं। देवबंद, जहां पहले ये भी जानकारी आ रही थी कि देवबंद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चुनाव लड़ सकते, वैसे ये अटकलें कई जगह से सामने आई, कभी देवबंद तो कभी वृंदावन मथुरा काशी की बात करें, कई जगह से यह खबर आई थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वैसे बात करें तो गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सहारनपुर के देवबंद सीट से भी यह खबर आई थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि दूसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है, लोग मतदान केंद्रों पर पहुंचना शुरू कर दिए हैं। दूसरे चरण का मतदान 9 जिलों के 55 सीटों पर होना है। वहीं चुनावी रण में कुल 586 प्रत्याशी मैदान में हैं। 586 प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में लॉक हो जाएगी। 10 मार्च को पता चलेगा कि जनता ने किसको अपना प्रतिनिधि चुना है, जनता किसको आगे 5 साल तक अपने कार्यों के लिए मौका देगी, अपने विकास के लिए मौका देगी। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की जनता की, तो उत्तर प्रदेश की जनता काफी अब जागरूक हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की जनता सिर्फ विकास के मुद्दों पे अब वोट देना चाहती है। वही बात अगर पहले चरण की करें तो पहले चरण में कुल 62.8% वोटिंग हुई थी। जनता ने काफी उत्साह के साथ तोड़ दिया था। पहले चरण में मुद्दा किसानों का था और दूसरे चरण में भी कहीं ना कहीं मुद्दा वही है, लेकिन कई दिग्गज भी राजनीतिक मैदान में है। पहले चरण में जहां एक तरफ कुल 9 मंत्रियों की बता दें कि दूसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है, 9 जिलों की 55 सीटों पर यह मतदान होना है। चुनाव 586 कुल प्रत्याशी इस चुनावी मैदान में है, इनकी किस्मत आज ईवीएम में जनता लॉक कर देगी। 10 मार्च को ही यह पता चलेगा कि जनता ने किसको चुना है। वहीं खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लगातार अलग अलग जिलों से जुड़ रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि चुनावी माहौल क्या है, लोग किस तरह से अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं बिजनौर से संवाददाता तुषार वर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संबल से मुबारक अली जुड़ रहे हैं। तो वहीं पहले मैं तुषार आपके पास आना चाहूंगी। तुषार, लोगों का आना शुरू हो गया है मतदान केंद्रों पर, लोगों में कितना उत्साह दिख रहा है?
देखिए त्रिशला, मैं आपको बता दूं कि बिजनौर में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है और जो मतदाता है, मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह ठंड के चलते भी सुबह 7 बजे से मतदाता मतदान केंद्रों पर आने स्टार्ट हो गए हैं और लगातार वो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। तुषार, क्या व्यवस्था है कोविड को लेकर के? कोविड गाइडलाइन कितने फॉलो हो रहे? मैं आपको बता दूं कि बिजनौर में 8 विधानसभा सीटें हैं और जो बिजनौर में जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं वो 1673 मतदान केंद्र हैं और 3111 जो है वो मध्य स्थल हैं। सभी मतदान केंद्रों पर जो है सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जो अति संवेदनशील और संवेदनशील जो केंद्र हैं उन पर पुलिस की पैनी नजर है। वहीं अगर कोविड प्रोटोकॉल की बात की जाए तो कोविड प्रोटोकॉल का भी यहाँ पर खास इंतजाम किया गया है। जो आशा और आंगनबाड़ी है वो मतदान केंद्र के बाहर पर उपस्थित है और वो जो भी मतदाता आ रहे हैं उनका टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, सैनिटाइजर से उनके हैंड वॉश किए जा रहे हैं, उन्होंने जिनके पास मास्क नहीं है उन्हें मास्क दिया जा रहा है। वहीं दिव्यांगों के बुजुर्गों की बात की जाए तो प्रशासन द्वारा यहां पर व्यवस्था की गई है। सभी मतदान केंद्रों पर व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है। उन्हें जो बुजुर्ग हैं, दिव्यांग हैं, उन्हें व्हील चेयर के जरिए उनका मतदान कराया जा रहा है। तुषार, मैं लौटूंगी आपके पास। संबल से हमारे संवाददाता मुबारक अली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुबारक, क्या नजरिया अभी क्या मतदान केंद्रों पे लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं? लोगों में कितना उत्साह दिख रहा है? मुबारक। क्षेत्र के ग्राम पोलिंग बूथ पे खड़े हैं इस वक्त और शांति से चुनाव मतदान कराया जा रहा है और कोरोना लाइन का पालन किया जा रहा है और जगह प्रशासन लगा पड़ा है। सामने तस्वीर में साफ तौर से देख सकते हैं और मतदाता कह रहे हैं और वोटों के लिए और विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे। जी, वहाँ के लोगों में कितना उत्साह दिख रहा है? लोग आना शुरू हो गए, क्या आप किसी से बात कर सकते हैं? वहाँ पे आप लोगों से बात करके हमें बताएं कि लोगों का मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पर लोग इस बार वोट देंगे? आइए, लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे और वो क्या क्या मुद्दे, जनता के मुद्दे क्या है और क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं अगली बार और किन किन मुद्दों को लेकर वोट करें। सर, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? जी बिल्कुल मुबारक जी, किस लेकर आप वोट करोगे? मुद्दों को लेकर आप वोट करोगे? बुलिंग हो रही है, वोट कर रहा है ना, क्या मुद्दे हैं आपके? वोट हिंदू मुस्लिम में वोट करोगे या नहीं? दो मुस्लिम से क्या मतलब? और विकास के मुद्दे वोट करोगे? विकास के मुद्दे में वोट दूंगा। जानेंगे इनसे जो दूसरे सामने है और सामने पुलिस प्रशासन सामने लगा पड़ा है। और सर किन मुद्दों को लेकर वोट करोगे आप? वोटर को शर्मा रहे हैं वोट और यहाँ पर शांति व्यवस्था का चुनाव हो रहा है और कोरोना गाइडलाइन का पालन हो रहा है और यहाँ पे सैनिटाइजर वगैरह सब रखा है। जी जी मुबारक, जैसा कि लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, अभी से लंबी लाइनें दिख रही हैं संबल में कि अभी सुबह के 8:30 ही लगभग बज रहे हैं, 8:40 हो रहा है और लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, लोग लंबी लाइनों में खड़े हैं। मैं लौटूंगी आपके पास। तुषार हमारे संवाददाता बिजनौर से हमारे साथ जुड़े हैं। तुषार, वहाँ पे और क्या व्यवस्था है प्रशासन को लेकर के? वहाँ के लोग किस मुद्दों पर वोट देंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, इस समय मैं मौजूद हूं जो बिजनौर में जो मतदान केंद्र है, ये जीजीआईसी है, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज। यहां पर 9 बूथ बनाए गए हैं, 9 बूथों की संख्या है। आप मेरे पीछे देख सकती हैं कि यहां पर कितनी लंबी लाइन लगी हुई है और मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। हम इनसे जानना चाहेंगे कि किन मुद्दों को ध्यान में रखकर ये वोट करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रदीप। प्रदीप जी, आज से मतदान शुरू हो गया है बिजनौर में, कि क्या मुद्दे हैं आपके, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आप वोट करेंगे? यहाँ पर अभी कोई जनता बताने के लिए तैयार नहीं है कि किन मुद्दों पर लेके, यहाँ पर महिलाएं हैं, महिलाएं से जानना चाहेंगे। मैडम, क्या नाम है आपका? सरिता। सरिता जी, ये बताइए कि आज से मतदान स्टार्ट हो गया है और आप किन मुद्दों को ध्यान में रख के अपने मत का प्रयोग करेंगे? देखिए, यहाँ जनता है, उत्साहित तो है, लाइन में लगी हुई है, लेकिन कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है कि किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट करेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि महिलाएं भी लाइन में खड़ी हैं, महिलाएं भी इस बढ़ चढ़ के अपने मत का प्रयोग करी, हमारी महिलाएं भी काफी जागरूक है। बिजनौर में अगर देखा जाए 7 सीटों पर चुनाव होने हैं, कौन कौन से दिग्गज इन 7 सीटों से चुनावी मैदान में है? तुषार देखिए, मैं आपको बता दूं, बिजनौर में 8 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ पर 89 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और यहाँ पर जो मतदाताओं की संख्या है वो 26,90,000 के आसपास है, जो अपने मत का प्रयोग करके अपने विधायक को चुनने का काम करेंगे। जी मुबारक, अगर बात किया जाए वहाँ की जनता का तो जनता में काफी उत्साह दिख रहा है, क्या महिलाएं भी इतनी ही उत्साह के साथ मतदान केंद्रों पर दिख रही है?
प्रतिशत मतदान केंद्र पे मौजूद है और महिलाएं भी काफी उसमें जोश में है और मतदान कर रही है। मतदान करने के बाद में जो पहले के जो विधायक और जो मंत्री रह चुके हैं और उनसे जनता संतुष्ट नहीं है। जनता चाहती है विकास होना चाहिए और शिक्षा क्षेत्र में काम होना चाहिए और संबल जिला और शिक्षा क्षेत्र से पहले से ही पिछड़ा हुआ है और जनता ने जो मांग करी है संबल में रोडवेज अड्डा होना चाहिए और रेलवे स्टेशन होना चाहिए या कोई व्यवस्था का कोई पालन नहीं है। संबल में चार विधानसभाएं हैं, कौन कौन से दिग्गज चुनावी मैदान में है संबल से? बात करें संबल की समाजवादी से नवाज़ गोवाल है, MIM से मुसीतरीम है और बहुजन समाज पार्टी से है हाजी चेयरमैन शकील है और निदा कांग्रेस से निदा अहमद है और बात करें अकमोली विधानसभा की अकमोली में पिंकी यादव साइकिल उससे समाजवादी से पिंकी यादव मौजूद है मैदान में चुनाव मैदान में और चड्डा नेता BSP से मौजूद है और MIM से शकील अहमद मौजूद है और BJP से हरिंदर मौजूद है। जी हम जुड़ेंगे थोड़ी देर में आपके साथ, आप नजर बनाए रखिए मतदान केंद्रों पर। हमारे संवाददाता अलग अलग जिलों से हमारे साथ जुड़ रहे और हमें दिखा रहे लगातार पिक्चरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे कि लोग मतदान केंद्रों पे मौजूद हैं, महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। अभी सुबह के 9 बजने ही वाले हैं, 8:40 हो रहा है और लोग लगातार अभी से पहुंचना शुरू हो गए मतदान केंद्रों पर। लोग जागरूक है मतदान को लेकर, लोगों को पता उन्हें अपने मत का इस्तेमाल करना है, जनता विकास के मुद्दे पर वोट देना चाहती है, जनता रोजगार के मुद्दों पर वोट देना चाहती है। जैसे कि हमारे संवाददाता ने जनता से वहां के लोगों से बातचीत की। आपको बता दें कि सहारनपुर में कुल 7 सीटों पर चुनाव होने हैं, बिजनौर में कुल 8 सीटों पर। बात अमरोहा की करें तो अमरोहा में 4 सीटें, वहीं संभल में भी 4 सीटें हैं, मुरादाबाद में 6 सीटें, रामपुर में 5 सीटें। हालांकि रामपुर काफी हॉट सीट बना हुआ है, जहां एक तरफ आजम खान जेल से ही चुनाव लड़ रहे हैं तो उनके बेटे आजम अब्दुल्ला खान स्वार सीट से चुनावी मैदान में है। रामपुर से दो दिग्गज आजम खान और आजम अब्दुल्ला खान दोनों चुनावी मैदान में है। बात अगर बरेली की करें तो बरेली में कुल 9 सीटें हैं, बदायूं में 6 सीटें और शाहजहांपुर में 6 सीटें। शाहजहांपुर में अगर बात करें तो मंत्री सुरेश खन्ना भी काफी हॉट मुद्दा बने हुए हैं। सुरेश खन्ना के ऑपोजिट में अगर बात सपा से करें तो वहां से तनवीर खां हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि दूसरे चरण का मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है। लोगों में मतदान के इस पर्व को लेकर खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है, लोग अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। दूसरे चरण का चुनाव 9 जिलों के 55 सीटों पर होना है, या 586 कुल प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। 586 प्रत्याशियों का किस्मत आज EVM में लॉक हो जाएगा और 10 मार्च को पता चलेगा कि जनता ने किसको चुना है, जनता ने किसको मौका दिया है और अगले 5 साल तक अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए जनता किसको अपना विकास करने का मौका देगी। चुनाव शुरू हो चुका है दूसरे चरण का, सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। को बता दें कि दूसरे चरण का चुनाव 9 जिलों के 55 सीटों पर होना है। 9 जिलों के 55 सीटों पर कुल 586 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। तो आपको बता दें पहले चरण में 62.8% वोटिंग हुआ था, वहीं दूसरे चरण में पश्चिम उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, संबल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं और शाहजहांपुर की 55 सीटों पर मतदान होगा। इन सीटों पर मुस्लिम और दलित आबादी को देखते हुए पहले चरण की तुलना में यह चुनाव सभी पार्टियों के लिए अधिक चुनौतीपूर्ण है। दूसरे चरण की जिन 55 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उसमें से 38 सीटों पर BJP का कब्जा है, जबकि 15 सीटों पर सपा के पास है और 2 सीटें कांग्रेस के पास है। वही अगर बात पहले चरण की चुनाव की करें तो पहले चरण का चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था, जहां पर किसानों का मुद्दा अहम बना हुआ था, कैराना में पलायन का मुद्दा बना हुआ था। वहीं आपको बता दें कि इस बार भी काफी कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा।
दूसरे चरण का चुनाव शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि 9 जिलों में 55 सीटों पर यह चुनाव हो रहा है। हमारे संवाददाता लगातार अलग अलग जिलों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अलग अलग मतदान केंद्रों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बता रहे हैं कि वहां के लोगों में कितना उत्साह है, लोग किन मुद्दों पर अपना वोट देंगे, वहां पे व्यवस्था क्या है। आइए बदायूं से हमारे संवाददाता राजन पाठक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजन, क्या व्यवस्था है वोटिंग को लेकर के? और यहाँ पे जो भी वोटिंग हो रही है सारी सुविधाएं की गई है COVID-19 को देखते हुए। लोग आना शुरू हो गए, लोगों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है राजन बदायूं में? जी मैम, सुबह 6 बजे से यहाँ पे लाइन लगना शुरू हो गई, बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छी वोटिंग हो रही है यहाँ पे। जगह जगह DM साहब SSP साहब भी जायजा ले रहे हैं बराबर। राजन, अगर बात की जाए बदायूं की तो बदायूं में कुल 6 सीटें हैं, 6 सीटों पर कौन कौन से दिग्गज चुनावी मैदान में है? मैम 6 सीटों पर BJP, BSP और सपा 3 प्रत्याशी, जिसपे अभी BSP का ज्यादा जोर चल रहा है। महिलाओं में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है तुषार बदायूं में? महिलाओं में बहुत अच्छा उत्साह है, यहाँ पे विकलांग दिव्यांग लोग 60 साल की उम्र से भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छी वोटिंग की जा रही है यहाँ पे, अभी तक कोई भी व्यवस्था में कोई भी लापरवाही नहीं की गई है। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ और मुस्तैदी है कि चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जाए? प्रशासन की तरफ से पूरी सुविधाएं की गई है, शांतिपूर्वक चुनाव किया जाएगा, कोई भी लापरवाही नहीं की जाएगी। जी राजन, आप मतदान केंद्र पर नजर बनाए रखें, हम लौटेंगे थोड़ी देर में आपके पास। तो आपने देखा बदायूं से हमारे संवाददाता राजन पाठक जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि लोग सुबह 6 बजे से ही, 7 बजे से मतदान हालांकि शुरू होने वाला था, लोग 6 बजे से ही लाइनों में लगना शुरू हो गए हैं। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जहां बदायूं की 6 सीटों पर यह मतदान होना है तो अलग अलग मतदान केंद्रों पर लोग अभी से आना शुरू कर दिए हैं। जैसा कि हमारे संवाददाता राजन पाठक ने बदायूं से बताया कि 6 बजे से ही लोग लाइनों में लगना शुरू कर दिए, जबकि मतदान 7 बजे से शुरू हुआ है। लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हम जल्द ही लौटेंगे आपके पास, अलग अलग जिलों अलग अलग मतदान केंद्रों की खबर लेकर। रुकेंगे थोड़े से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।